भारत के खिलाफ षड्यंत्र फैलाने से बाज नहीं आ रहे पाकिस्तान की एक बार फिर से दुनिया के सामने जमकर फजीहत हुई, और ये फजीहत किसी और ने नहीं कश्मीर के रहने वाली एक पत्रकार ने की है। पत्रकार याना मीर ने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए जमकर लताड़ लगाई। ब्रिटेन की संसद में बोलते हुए याना मीर ने पाकिस्तानी एक्टिविस्ट मलाला यूसुफजई से अपनी तुलना को खारिज करते हुए कहा कि मैं मलाला नहीं हूँ, मैं अपने देश में सुरक्षित हूँ। पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए मीर ने कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और मैं वहाँ स्वतंत्र और सुरक्षित हूँ। इस दौरान उन्होंने युवाओं के विकास में भारतीय सेना के प्रयासों की भी सराहना की। कश्मीरी पत्रकार और एक्टिविस्ट याना मीर को यूके पार्लियामेंट द्वारा आयोजित संकल्प दिवस में सम्मानित करने के लिए बुलाया गया था। जम्मू कश्मीर में विविधता को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए मीर को डायवर्सिटी एम्बेसडर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में ब्रिटेन के संसद सहित 100 से अधिक जानी मानी हस्तियों ने हिस्सा लिया। ब्रिटेन की संसद में बोलते हुए मीर ने इस बात पर जोर दिया कि वो मलाला यूसुफजई नहीं है जिसे आतंकवाद की धमकियों के कारण अपना देश छोड़ना पड़ा। मीर ने कहा, मैं मलाला यूसुफजई नहीं हूँ क्योंकि मैं अपने देश भारत में स्वतंत्र और सुरक्षित हूँ। मैं अपनी मातृभूमि कश्मीर में सुरक्षित हूँ जो भारत का अभिन्न अंग है। मुझे कभी भी भागकर आपके देश में शरण लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कभी भी मलाला नहीं बनूंगी। मलाला द्वारा मेरे देश और मेरी मातृभूमि कश्मीर को उत्पीड़ित कहकर बदनाम करने की साजिश से मुझे आपत्ति है। मुझे सोशल मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के ऐसे सभी टूलकिट सदस्यों से आपत्ति है जिन्होंने कभी कश्मीर जाने की परवाह नहीं की लेकिन उत्पीड़न की कहानियां गढ़ते रहते हैं। मीर ने आगे कहा, मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आप धर्म के आधार पर भारतीयों को बांटने का काम बंद कर दीजिए। हम आपको कभी भी इसकी इजाजत नहीं देंगे। सेलेक्टिव प्रोपेगेंडा फैलाना बंद कर दीजिए। मुझे उम्मीद है कि हमारे देश के अपराधी जो पाकिस्तान और ब्रिटेन में रहते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया या अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मंचों पर भारत को बदनाम करना बंद कर देंगे। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पर निशाना साधते हुए याना मीर ने कहा, ब्रिटेन के लिविंग रूम में रिपोर्टिंग करके भारत को बांटने की कोशिश बंद कीजिए। आतंकवाद के कारण कश्मीर की हजारों मां पहले ही अपनी संतानों को खो चुकी है। हमारा पीछा करना बंद कर दीजिए। कश्मीरी लोगों को शांति से जीने दीजिए। कुल मिलाकर याना मीर ने एक बार फिर से पाकिस्तान की जमकर फजीहत की और कश्मीर का असली चेहरा दुनिया के सामने लेकर आए। उनके इस बयान पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।